हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन की सीरीज में आज दो चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो एनबीएस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरा एल्कीन की सारी रिएक्शन को रिवाइज भी करने वाले हैं। आइए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन, आप जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहते हैं तो ए टू जेड केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। एनबीएस देखना, एनबीएस क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रिपरेशन, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ये प्रिपेयर ने कंपाउंड से किया जाता है जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड। पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे और इसके पीछे एक बहुत यूनिक पॉइंट सीखेंगे जो आपने शायद पहले ना भी सुने हो। तो देखना क्या है, सबसे पहले लिख रहा हूं सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, आप अमोनिया डालकर हीट कर दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप अमोनिया डालकर हीट करते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूं अमाइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन? अमाइड की फॉर्मेशन। अब सवाल, ये बनने वाला कंपाउंड को कहते हैं सक्सेनमाइड, सक्सेन अमाइड, AMIDE। ठीक, सवाल वाला कहते हैं फिर से हीटिंग करिए। फिर से हीटिंग करने का मतलब आप यहां से अमोनिया का रिमूवल कर दीजिए। किस तरह से? कुछ इस तरह से, देखना NH और एक एच ओ ले लो, NH3, NH2 और एक एच ऊपर से ले लीजिए। तो क्या बनने वाला कंपाउंड, आप ध्यान से सोचो तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये एक एच इस पर रह जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। यही कंपाउंड का नाम है सक्सेन अमाइड, सॉरी सक्सेन एमाइड, IMIDE। ठीक है, अब इसमें कोई बेसिक मीडियम लाइए, ओ एच माइनस एसिडिक एच लेकर जाएगा, और जैसे ही ओ एच माइनस एसिडिक एच लेकर जाएगा ना, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा आप देख पा रहे हैं क्या? एच प्लस चला गया है, नाइट्रोजन पे आ गया है माइनस। और अगली स्टेप में जब आपको ब्रोमीन लगाना है, जब आपको ब्रोमीन लगाना है तो Br2 ऐड कर दीजिए। नाइट्रोजन का माइनस Br2 इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और आपको जनरेशन करेगा NBS की। इसी कंपाउंड को लोग प्यार से NBS कहते हैं, विच इज एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। क्या सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि सक्सेनिमाइड क्या है, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड क्या है? चलो अब कहानी में थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं आपको इसकी काम की बात बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। ये करता क्या है, एनबीएस का फंक्शन दोस्त, एनबीएस का फंक्शन है इट ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक कॉमा बेंजाइलिक पोजीशन बाय ब्रोमिनेशन। अलाइलिक और बेंजाइलिक को, कौन सा अलाइलिक और बेंजाइलिक ये बता देता हूँ, 1 डिग्री या 2 डिग्री, अच्छा 3 डिग्री, हाँ कर तो 3 डिग्री का भी देगा, तो मैं डायरेक्ट जल्दी देता हूँ अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा, सर हमें तो ये अलाइलिक बेंजाइलिक क्या होता है पता ही नहीं, तो सुनना दो। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट साथ वाला, जस्ट साथ वाला sp3 कार्बन को कहते हैं अलाइलिक कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन, sp3 कार्बन कहते हैं अलाइलिक कार्बन, और इसी पोजीशन को कह रहे हैं अलाइलिक। इसी तरह बेंजीन के बाहर जो sp3 कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। तो क्या आपको अलाइलिक और बेंजाइलिक पता लग गया? क्या करना क्या है, करना क्या है वो सीखना। मैं यदि इसमें एनबीएस डाल दूं, लोग एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट भी कई बार लिख देते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे, जस्ट साथ वाले कार्बन पे आपको ब्रोमीन चिपका देना है। आपको क्या चिपका देना है? ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन कर देना है। ब्रोमीन लगाना है यानी ब्रोमिनेशन करना है, क्या इतना ही काम करना है? आसान भाषा में कहूं तो इतना ही काम करना है। अब इसके पीछे के डिटेल्ड मैकेनिज्म को सीखते हुए चलते हैं, सुनना आप सारी बातें, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। नोट का पहला पॉइंट, जो प्योर एनबीएस है ना, वो यूजुअली इनर्ट रहता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जो प्योर फॉर्म है ना एनबीएस की, वो इनर्ट है। तो क्या इम्प्योरिटीज यूज करेंगे? जी हाँ, आप यूज करेंगे जो इम्प्योर एनबीएस इज यूज्ड। हम यूजुअली क्या यूज करते हैं? इम्प्योर एनबीएस, क्योंकि वो इनर्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट, अब क्या इम्प्योरिटीज है उसमें, एनबीएस यूजुअली कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ Br2 एंड HBr। बहुत गजब का पॉइंट है दोस्त, बहुत गजब का पॉइंट। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पॉइंट कभी जेई एडवांस में आया ना, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इस पॉइंट को पढ़ा रहे होते हैं।
एनबीएस यूजुअली कंटेन्स इंप्योरिटीज ऑफ Br2 एंड HBr. अ फोर्थ पॉइंट भी लिखता हूं, एनबीएस इज ए सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन का सोर्स है. फिफ्थ पॉइंट, एनबीएस सप्लाई Br2 इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट. इस पॉइंट का मतलब इतना सा है कि Br2 एनबीएस ब्रोमीन देता है पर बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में देता है. अच्छा, अब सिक्स पॉइंट सुनना, इस सारी बातों पे हम बात करेंगे अभी. सिक्स पॉइंट, एनबीएस की जगह में यदि एनसीएस लिख देता तो आपके माइंड में क्या आता? सर एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड तो एन क्लोरो हो गया क्या? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, दिस इज एन क्लोरो सक्सिनेमाइड इज सोर्स ऑफ क्लोरीन. ये 6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, हर बात आपके सामने मैं रख रहा हूं. अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ. आप पाएंगे कि इसका मैकेनिज्म यूजुअली नहीं बताया जाता, क्यों दैट आई डोंट नो, बट हम सीखेंगे, हम सीखेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनिल ग्वालिया से. चलो तो करते हैं, लेट अस कंसिडर. सबसे पहले कंसिडर इम्प्योरिटी ऑफ Br2 इन एनबीएस. मैंने मान लिया कि एनबीएस के अंदर है ना जो इम्प्योर फॉर्म है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना, विच इज ड्यू टू ब्रोमीन. ठीक है, अब स्टेप समझना क्या क्या है. Br2 जो स्मॉल अमाउंट में ना उसको हीट करते हैं, या कई बार लाइट मेंशन हो सकती है, या कोई परोक्साइड मेंशन हो सकता है. सबसे पहली स्टेप में 2HBr बनता है, 2 Br रेडिकल. ब्रोमीन जो थोड़ा सा था वो Br रेडिकल जनरेट करता है. अच्छा, रेडिकल मैकेनिज्म में जाओगे? हाँ, लाइट है, रेडिकल मैकेनिज्म में जाएंगे. Br रेडिकल अब अलाइलिक पोजीशन पर करेगा अटैक. कैसे वो सीखना? अलाइलिक पोजीशन पर इसलिए अटैक करेगा, यदि मैं आपको मैकेनिज्म बताना चाहूं जो बता भी रहा हूं. CH2 और H है क्या? ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन H की तरफ. तो क्या दोस्त आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा, प्लस Br रेडिकल, एक H रेडिकल लेकर क्या HBr बनाएगा? हाँ सर, सुनने में तो सही लगता है. अब देखना, अब जो ये रेडिकल बना है, ये जो रेडिकल बना है ये रिएक्शन करेगा. ये रिएक्शन किससे करेगा? अरे सुनो तो सर, इसकी रिएक्शन से पहले एक स्टेप मैं वो लिखता हूँ बल्कि. अब जो NBS है ना, जो आपके पास NBS है, उसका काम देखना. वो रिएक्शन करेगा HBr के साथ जो स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज हैं, और पता है क्या जनरेट करेगा? आप देखते जाइए, एन आप यहां से जनरेट करेंगे सक्सिनेमाइड प्लस Br रेडिकल लेकर Br2 बाहर स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा Br2 बनता है. अच्छा, ये जो Br2 बना है ना, ये जो Br2 बना है ये अब इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा. बहुत गजब की बात है, बट यूजुअली स्किप कर देते हैं लोग. अब सुनना कहानी, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, और लास्ट स्टेप जो होगा ना, Br रेडिकल आपस में कंबाइन करके Br2 बना लेंगे. कोई कहेगा ये सब क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा. अब सुनना ध्यान से, काम की बात. जो बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी थी, दैट इज Br2, Br रेडिकल जनरेट किया, रेडिकल बनाया, कार्बन रेडिकल बनने के बाद, ये देखो मैंने एक पॉइंट लिखा था, देखना. फोर्थ पॉइंट, एनबीएस इज ए सोर्स ऑफ ब्रोमीन. तो देखना, ये जो एनबीएस है HBr के साथ रिएक्शन करके Br2 जनरेट कर रहा है, सोर्स ऑफ ब्रोमीन, और यही Br2 फिर रेडिकल पर लग जा रहा है. सर आसान भाषा में बताओ हमें करना क्या है. अब वो सुनो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा. पहला एग्जाम्पल आपके साथ आसान भाषा में कहूं तो आप एनबीएस ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट या परोक्साइड. करना क्या है सुनना, फ्री रेडिकल बनाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, और उस फ्री रेडिकल पर क्या चिपका दो? Br. आसान भाषा में तो बस इतना ध्यान रखना, एनबीएस रेडिकल बनाएगा, अलाइली पोजीशन पर रेडिकल बनाएगा और Br लगाएगा. ठीक है सर, ये तो आसान है, मैंने कब कहा मुश्किल है. सेकेंड एग्जाम्पल समझना, मैं कहता हूं फिर से काम है. तो एक एक कहीं पर एक रेडिकल बनाकर आप चिपका देंगे क्या? देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के यहाँ रेडिकल बनाकर Br लगाऊं तो क्या आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे? कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्या? दो एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल देखना, थर्ड एग्जाम्पल आपको मजा आएगा करके. मैं पहली स्टेप में NCS ऐड करता हूँ, सेकेंड स्टेप में NBS ऐड करता हूँ, और फिर पूछता हूँ, फिर दोस्त आपसे पूछता हूँ कि ए और बी प्रोडक्ट क्या है.
आप ऐसा सोचिए, जो रेडिकल आप बनाएंगे वो रेडिकल अलाइलिक और बेंजाइलिक पे बनाना है? हाँ बनाना है। तो यहाँ रेडिकल बनाया होगा क्योंकि वो रेडिकल 3 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल है। फिर एनसीएस से क्या लगाओगे? क्लोरीन। अच्छा, और फिर जब एनबीएस डालेंगे तो क्या दोस्त आपकी निगाहें देख पाएंगे? नीचे रेडिकल बनाओगे और यहाँ ब्रोमीन लगा दोगे, यहाँ ब्रोमीन लगा दोगे। क्या आप सीख पा रहे हैं? फिर से एक कायरल सेंटर है, फिर से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्लस और माइनस। आई होप आप सीख पा रहे होंगे, आई होप आप सीख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है हम बहुत लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टोटल नंबर ऑफ, फिर जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया ना वो भी हम डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट विद स्टीरियो। क्या टोटल वर्ड लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि आपको स्टीरियो के साथ बताना है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे बार बार गलत, स्टीरियो की स्पेलिंग कैसे गलत हो जा रही है? विद स्टीरियो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा, मैंने ऐड किया इसमें एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब समझना कहानी, करना क्या क्या है वो समझना। सबसे पहले आप रेडिकल बनाएंगे और रेडिकल बनाने के बाद इसमें करवाएंगे रेजोनेंस। क्या करवाएंगे? रेजोनेंस। किस तरह से? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस करवा दीजिए। आपने रेडिकल बनाया, रेजोनेंस करवाया, और जहां जहां रेडिकल बना है, जहां जहां रेडिकल बना है वहां चिपका दीजिए एनबीएस डालते हुए बी आर, दैट इज बी आर टू से। और इससे ये बनेगा क्या? और फिर चेक करना, फिर चेक करना कि प्रोडक्ट में कहीं कायरल सेंटर या जीआई सेंटर तो नहीं। अब देखो ये कायरल सेंटर है, ये जीआई है। कायरल सेंटर है तो दो प्रोडक्ट, जीआई है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो उससे सौ ट्रांस मिलेंगे। यहाँ जीआई है तो दो प्रोडक्ट, तो क्या टोटल प्रोडक्ट मैं कह दूं चार? दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं कायरल सेंटर से, दो मिल रहे हैं जीआई सेंटर से। क्या पहला एग्जाम्पल आप सीख पा रहे हैं? क्या पहला एग्जाम्पल आप सीख पा रहे हैं? चलो क्वेश्चंस और आगे आपके सामने रखता हूँ, और आई होप आप सीख भी जाएंगे। देखो मैं एक एग्जाम्पल और रख रहा हूँ, अटेम्प्ट करना। मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ कि लेट से 14 है, कार्बन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बेसिकली। एनबीएस ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखने की बात कर रहे हैं। क्या सबसे पहला तामझाम आप ये रेडिकल बनाएंगे 14 वाले को, फिर इसमें जब रेजोनेंस करवाएंगे तो दोस्त 14 वाला यहाँ रह जाएगा और रेडिकल यहाँ आएगा। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ध्यान से देखो। 14 पर एक बार रेडिकल और एक बार नॉर्मल कार्बन 12 पर रेडिकल है। कोई कहेगा 14 क्या है? अरे मेरे भाई 14 कुछ नहीं, बस जस्ट टू डिफ्रेंशिएट द कार्बन, आइसोटॉपिक फॉर्म लिखा दिए। क्या यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ये बनेगा? और दोस्त ये 14 वाला। और दोस्त क्या यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा 14 इधर और बी आर इधर, क्या आप देख पा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? सर यहाँ से तो टोटल प्रोडक्ट 2 बन गए। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ऐसा काम तो बहुत बहुत समय पहले भी कर चुके हैं। हाँ मैं ना नहीं कर रहा, आप ये काम बहुत समय पहले भी कर चुके हैं। कब कब कब? जब आपने हेलुजिनेशन पढ़ा था लाइट के साथ रेडिकल, याद करो याद करो, मैंने पढ़ाया है। चलो और एग्जाम्पल नंबर 6 पे आता हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं और आप सीखते हुए चलिए। मैकेनिज्म लिखने की बात करेंगे। सबसे पहले अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल बनाया, अब लेफ्ट में रेजोनेंस करवाऊंगी या राइट में? कोई कहेगा कहीं पर भी करवा दो क्योंकि मैं ऑलवेज राइट, तो राइट में करवा देता हूँ। फिर आप इसमें बी आर लगाइए, फिर आप इसमें बी आर चिपका दीजिए। क्या आप देख पा रही हैं कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे? हाँ जी हाँ। अब क्योंकि यहाँ पहले वाले कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं, बट यहाँ है जीआई सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा 2 और 1। तो क्या दोस्त मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 3 बोल दूं क्या? क्या मैं यहाँ पर 3 बोल दूं क्या टोटल प्रोडक्ट? आई होप आप सीख पा रहे होंगे, और ऐसे काम हम बहुत बार भी कर चुके हैं, बहुत पहले भी कर चुके हैं। चलो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इवन महा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुनना क्या पॉइंट है, यदि यदि देखना
मैं ये अलाइलिक और बेंजाइलिक की बात कर रहा हूं, सोच कर देखना, यदि मैं इसमें एनबीएस डालता, मैं इसमें एनसीएस डालता, तो नो डाउट आप अलाइलिक पोजीशन से यहां बीआर लगा देते, आप यहां सीएल लगा देते, नो डाउट नो डाउट। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो तो भी आप ये काम करेंगे, तो भी आप ये काम करेंगे, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर आप हेलोजन लगाएंगे, आप हेलोजन लगाएंगे। और ये सारी बातें ना, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में जो भी काम होगा वो सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा, ये सारा काम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चल अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। देखो करना क्या है, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कहता है इस एल्कीन में एनबीएस डालो, प्रोडक्ट सोचो। मुझे पता है आपने प्रोडक्ट सोच लिया होगा। लेकिन क्या आपके माइंड में पहला ऑप्शन आ रहा है क्या? गलत है, गलत। अरे ये क्या हो गया, आपने कुछ ऐसा ही सोचा क्या? समझना, बहुत मजेदार सवाल है ये। सर हमने तो ये रेडिकल बनाया था, इस रेडिकल तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ मेरे भाई बिल्कुल स्टेबल है। आप, मैंने कहा कि रेडिकल में रेजोनेंस तो करवाओ, और दोस्त रेजोनेंस करवाने के बाद यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा। सोच कर देखना, जब यहाँ रेडिकल बनाया तो यहाँ ब्रोमीन लगाया, और एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाया है, प्रोडक्ट में बन रहा है एल्कीन, और चेक कर लो एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है। इस एल्कीन में है 2 अल्फाएच, और इस एल्कीन में है 3, तो 5 और 1 6, 6 अल्फाएच, इसीलिए करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन क्यों आया है फिर सुन लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम एल्कीन की स्टेबिलिटी से जज कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आप किससे जज कर रहे हैं? एल्कीन की स्टेबिलिटी से जज कर रहे हैं। क्लियर है, ये पॉइंट याद भी रखना। चलो अब करते हैं जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो विच मे बी फॉर्म्ड बाय मोनोब्रोमिनेशन, मतलब एक ही ब्रोमिन लगाना है, बाय यूजिंग बी आर टू एंड यूवी लाइन। क्लियर, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं क्वेश्चन को इधर करता हूँ, इधर देखना, ये क्वेश्चन है कि देखो क्या है, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। मैं कहता हूँ ये छोड़ो, तुम पहले एनबीएस के साथ आंसर बताओ। मैं कहता हूँ ये छोड़ो, तुम पहले एनबीएस के साथ आंसर बताओ। ठीक है सर, एनबीएस के साथ कोई बहुत मुश्किल तो नहीं, सुनना कैसे। क्या सबसे पहले आप रेडिकल यहां बनाएंगे, सारी अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर रेडिकल सोच लो, सारी अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल सोचो। सर एक पोजीशन ये भी है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, एक पोजीशन सर ये भी है। क्या यही 3 अलाइलिक पोजीशन आपको दिख रही है फिलहाल? हाँ सर, कार्बन डबल बोन कार्बन के जस्ट साथ वाली पोजीशन पर मैंने लगा दिया। अब इनमें करवाइए आप रेजोनेंस, क्या बोल रहा हूँ, आप इनमें करवाइए रेजोनेंस। जब आप रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ डबल बोन और रेडिकल बनेगा। फिर देखना, जब आप इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या डबल बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर नजर आएगा? चेक कर लो, चेक कर लो। और जब आप इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या दोस्त आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ये रेडिकल मिलेगा? लास्ट वाले दोनों रेडिकल सेम है क्या? ये सेम हो गए, आप इन्हें हटाइए, आप इन्हें हटाइए। अब जहां जहां आपने रेडिकल बनाया है, मैं वहां वहां ब्रोमीन चिपकाता हुआ चल रहा हूं, देखना। पहले मैं बना देता हूं, इसी फॉर्मेट में बना देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट मैंने क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब है ना, जहां जहां ये रेडिकल था बी आर लगाओ, ये बी आर, बी आर नहीं बिहार, अरे बिहार नहीं बिहार, ये रहा बी आर, आपने यहां यहां रेडिकल लगा दी। हाँ ठीक है, अब काउंट करो, काउंट करो, कहीं कोई कायरल सेंटर तो नहीं? ये रहा कायरल सेंटर, 2 प्रोडक्ट, 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 2, 4, 8 और 1, 9। तो क्या इसका टोटल आंसर 9 आ गया? क्या इसका टोटल आंसर 9 आ चुका है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं जेई वाले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं दोस्त जेई वाले क्वेश्चन पे। सवाल वही है, सवाल वही है, सुन लीजिए। आपने कहाँ कहाँ रेडिकल बनाया,
आपने दोस्त यहाँ रेडिकल बनाया, दोस्त आपने यहाँ रेडिकल बनाया और आपने यहाँ रेडिकल बनाया, इन तीन साइड्स पे आप रेडिकल बना चुके हैं, क्योंकि एनबीएस का काम ही यही है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, ठीक है, पर मैं कहता हूँ ये तो BR2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कह रहा है, ये तो BR2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कह रहा है। अरे ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पे नहीं करता यार, यूजली ये नहीं करता, ये तो किसी भी रेडिकल पे कर देता है। मतलब ये अलाइलिक बेंजाइलिक एक्सक्लूसिवली उस पर कौन कर रहा है, एनबीएस। इसको क्या चाहिए, इसको SP3 कार्बन चाहिए, उस पर रगड़ देगा। अच्छा, यानी मैं कहना चाहता हूं ये जो दो सेंटर्स बचे हैं इन पर भी रेडिकल बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन देखना क्या है, मैं इसको हटा रहा हूं और जो दो सेंटर्स बच गए थे वहां पर भी रेडिकल बना रहा हूं। एक तो ये सेंटर बच गया था, उसमें रेजोनेंस हो नहीं सकती, और एक सेंटर बचा था ये बताओ, इन दोनों पर BR चिपकाता हूं। ये रहा BR, ये रहा BR, यहां रेजोनेंस हो नहीं सकती थी, यहां यहां BR लगा दिया विद कायरल सेंटर, विद कायरल सेंटर। हाँ जी हाँ, कितने प्रोडक्ट, दो और दो, और नो पीछे कर चुके हैं क्या, खाली NBS के साथ आंसर कितना आ रहा था, नो, और इनके साथ कितना आ रहा है, चार और जोड़ दिया, तो क्या करेक्ट आंसर इसका 13 हो गया क्या, क्या करेक्ट आंसर इसका 13 हो गया। मैंने क्वेश्चन को तोड़ा, मैंने क्वेश्चन को तोड़ा, क्या किया, BR2 लाइट बाद में करेंगे, मैंने कहा पहले NBS वाला क्वेश्चन करो। NBS के साथ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया, अलाइलिक बेंजाइलिक पर रेडिकल बनाया, रेजोनेंस करवाया, प्रोडक्ट काउंट कर लिया, फिर मैंने कहा कि यार BR2 तो हर SP3 कार्बन को निपटा देगा, दो बच गए थे, दोनों पर BR लगाया, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर मिला, उस पर दो दो प्रोडक्ट बनाए, पीछे लोग कर चुके हैं, इसी का एडिशन में चार बच गए थे, चार और जोड़ दिया, सो करेक्ट आंसर इज 13। वो नो के नो यहाँ और चुपका लेना, आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आई होप जो NBS में सिखाना चाह रहा था आप सीख गए हैं, आई होप जो NBS में सिखाना चाह रहा था आप सीख गए हैं। चलो लेक्चर नंबर 14 में NBS अपने कंप्लीट कर लिया, अब है ना, अब थोड़ी सी बात करते हैं रिवीजन ऑफ एल्कीन की, रिवीजन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का कुछ सेगमेंट्स को रिवाइज करते हैं। देखना एल्कीन की सारी रिएक्शंस यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, दो बातें बस आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या सुनो, मैंने ऐसा कहा था कि एल्कीन जो है ना, एल्कीन वो न्यूक्लियोफाइल है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल की दो कैटेगरी थी, इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर, फिर ऐसा कहा इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर, फिर ऐसा मैंने कह दिया इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा। अब सुनना, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, ऐसी दो रिएक्शंस कब्जे में कर लू, कौन सी, HX इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, HX इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और दोनों में आपने कार्बोकेटायन बनाया, रीअरेंजमेंट करवाया, ये मैंने पढ़ाया, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनना, इलेक्ट्रोफाइल विद हैविंग, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर में मैंने सबसे पढ़ाया हेलोजन, हेलोजन के साथ एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया HOX इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, NCC बनेगा, ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया NOCl, ठीक है, क्या इन तीनों के साथ इंटरमीडिएट NCC था, जहां नो कार्बोकेटाइन, कोई कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा दोस्त, कोई किसी प्रकार का कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। क्लियर, क्लियर है, अब वो सुनना बात, वो सुनना बात, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसके बाद हाइड्रोबोरेशन, जिस सीक्वेंस में पढ़ा चुका हूँ सारी बातें बोल रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हालांकि पहले मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया था, बट ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दैट इज मैंने इसको कहा OMDM और इसको कहा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्लियर है, फिर मैंने कहा कि यहाँ एंटी मार्कोवनिकोफ रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोवनिकोफ रूल फॉलो होगा, और यहां कहा मार्कोवनिकोफ रूल फॉलो होगा, और कहा यहां पर भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, यहां पर भी कहा कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, क्या यही रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या यही रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, अब कान खोल के फिर सुन लो दोस्त, मैं हर चीज आपके सामने रख रहा हूँ। कार्बोकेटाइन एल्कीन में सिर्फ दो जगह बनाना है, कहाँ कहाँ, HX के साथ और वाटर के साथ, बाकी हर जगह कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है,
पूरे 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 एल्कीन में दो जगह एंटी मार्कोवनिकोफ है, कहाँ कहाँ? HBr इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड भी एंटी मार्कोवनिकोफ है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड भी एंटी मार्कोवनिकोफ है, और दूसरी जगह जहां एंटी मार्कोवनिकोफ है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, वो क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? क्लियर है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का प्रोडक्ट ऐसे बताया कि आप वाटर का एडिशन कर दो विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बताया आप वाटर का एडिशन कर दो एंटी मार्कोवनिकोफ विदाउट रीअरेंजमेंट। ये सारी बातें बताइए। यदि आप एक सीक्वेंस में, यदि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो ना, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप सीख जाएंगे। और आप यदि आप पहली बार मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 1 से देख लीजिए। ऑर्गेनिक का बेस जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से उठाकर एकदम स्टार लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ इन वीडियो लेक्चर्स में मैं करवा रहा हूँ, तो आप इनको जरूर सीखिए। तो इस लेक्चर के अंदर एल्कीन वाला सेगमेंट है एंड रिविजन ऑफ, ये एनबीएस वाला सेगमेंट और रिविजन ऑफ एल्कीन। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखना।